काफी टाइम बाद कोई एक अच्छी एनिमेटेड मूवी देखने को मिली है जिसमें अच्छी ग्राफिक्स या फिर कहूँ अच्छी एनिमेशन है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा रया एंड द लास्ट ड्रैगन मूवी के बारे में। तकरीबन ये 1 घंटा 50 मिनट लंबी मूवी है, मतलब अप्रोक्सीमेट इतना ही टाइम है। और अब अगर मैं एक बात बताऊँ कि जब ये मूवी देखने गया तो यहाँ पर मेरे सामने दो ऑप्शन थे, या तो मैं इसको हिंदी डब में देखूँ या फिर मैं इसको इंग्लिश वर्जन में देखूँ। तो काफी ज्यादा सोचने के बाद, क्योंकि मेरे पास एक ही मूवी देखने के रोकड़े थे, दूसरी मूवी तो देख नहीं पाता, तो इसलिए मैंने काफी ज्यादा सोचने के बाद ये डिसाइड किया तो इंग्लिश वर्जन देखा जाए। तो मैंने इसका इंग्लिश वर्जन देखा। तब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जो एक वर्ल्ड इसके अंदर दिखाया गया है, फैंटेसी वर्ल्ड दिखाया गया ऑब्वियसली, जिसके अंदर ड्रैगन और इंसान दोनों एक साथ खुशी खुशी रह रहे हैं। और फिर यहाँ पर एंट्री होती है, इस वर्ल्ड में एंट्री होती है ड्रोन नाम की एक ड्रैगन की, जो इंसानों को पत्थर बना देता है, जिंदगी छीन लेता है, एकदम निराशा लेके आ जाता है। तो उस ड्रोन यही नाम था शायद, हाँ, जो उनकी एंट्री होती है, तो यहाँ पर ड्रैगन जो है वो इंसानों को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं। इंसानों को बचाने के बाद सिर्फ एक ही ड्रैगन बचता है जो 500 साल के लिए सोने के लिए चला जाता है या चली जाती है। आगे पता चलेगा ये फीमेल है, सिसु इसका नाम होता है। और जब ये चली जाती है तो एक बोल, ड्रैगन बोल जिसका अंदर मैजिक होता है ड्रैगन्स का, वो इंसानों के लिए छोड़ के चले जाते हैं। अब इंसानों के अंदर इतना लालच है कि यार उस बोल को पाने के लिए लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, 5 कबीलों में ये दुनिया बढ़ जाती है कि जैसे तैसे उस बोल को लिया जाए। और इस चक्कर में वो बोल टूट जाती है, टूटने के बाद ये 5 कबीले अपने पास रख लेते हैं और ड्रोन वो जो है वो वापस आ जाता है। ड्रोन जो भी है यार, वो एक ड्रैगन है, वो जो इंसानों को पत्थर बना देता है, वो फिर से वापस आ जाते हैं। अब इस बात की टेंशन मत लेना कि मैंने इतनी ज्यादा कहानी बता दी है और आप लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट कर खत्म कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट की कहानी है, बाकी तो मतलब अभी बहुत कुछ छुपा है यार। और जब ये ड्रोन नाम का एक जो क्रिएचर है फिर से वापस आता है, तो इसको मतलब ख़त्म करने के लिए या फिर वापस ड्रैगन को ढूंढने के लिए, जो सिसु जो करेक्टर थी, जो सिसु जो ड्रैगन था, उसको वापस ढूंढने के लिए एक रया नाम की एक लड़की निकलती है, क्योंकि उसके पिता भी जो है पत्थर बन गए होते हैं। वो चाहती है कि अपने पिता को वापस जिंदा कर सके, तो उसके पास एक ही चारा होता है कि वो वापस जाके, मतलब जो ये डिवाइड हो चुके थे कबीले, कहीं ना कहीं सिसु का पता उसके पास एक नक्शा होता है। क्या मैं स्पॉइलर दे रहा हूँ, छोड़ो। तो वो उसके पास यही होता है कि वो जाकर सिसु को ढूंढे, उसको वापस लेकर आए और सब कुछ चीजें एकदम नॉर्मल कर दे। खैर ये इतना भी आसान नहीं होता, सिसु से मिलती भी है लेकिन उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। वो उसे कैसे निपटती है, सिसु कैसे इस वर्ल्ड को वापस ठीक करती है, तो इसके लिए देखो आप लोगों को ये मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी की स्टोरी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, काफी फनी भी स्टोरी थी, काफी जगह पे हमें देखने को मिलता है। एक फॉर एग्जांपल की एक छोटी बच्ची होती है, बिल्कुल छोटी सी, उसके साथ 3 बंदर होते हैं, उसके दोस्त होते हैं। जब भी स्क्रीन पे आते यार, हंसी अपने चेहरे के ऊपर अपने आप आ जाती है यार। उनको देखते ही उतना क्यूट सा उनका एनिमेशन किया गया है, मतलब कमाल की। 3D के अंदर देखो तो यार अलग ही लेवल का मजा आता है। तो वहां पर वो जो उनका फेस देखते हैं, इतनी हंसी आ जाती है, जो काफी अच्छी बात है। जो सिसु नाम का जो ड्रैगन है, भाई साहब ये तो अल्टीमेट है यार। काफी मतलब जो इसके डायलॉग जो थे, जो ये बोल रही थी, जो इसके बातें हो रही थी, वो एकदम यार एक्सट्रीम लेवल की थी। और जैसे कि मैंने कहा, जब आप ये मूवी देख रहे होगे तो ज्यादातर आपके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल होगी, जो काफी अच्छी चीज है। और अगर इस एनिमेटेड मूवी की एनिमेशन की बात करूं, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मुझे लगे, मैंने कहा ना ये 3D के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और इसको कलरफुल बनाया गया, जो हमें देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस मूवी से हमें सीखने को कुछ मिलता है? बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कि सिसु का जो करेक्टर है वो फनी के अलावा हमें ये भी सिखाता है कि यार देखो, अपने दुश्मन को कभी भी ऐसे हेट के थ्रू मत हराओ, उसको गिफ्ट लेके जाओ उसके पास, उसको कहो कि मान जाओ यार, दुश्मनी खत्म करते हैं। खैर अगर हमारे पास गिफ्ट लेने के रोकड़े ना हो तो क्या करें, ये चीज मुझे समझ नहीं आई, ये शायद बताना भूल गए। ये तो मजाक की बात है थी, सीरियसली मूवी काफी ज्यादा अच्छी है। जो अभी फिलहाल बॉलीवुड की कुछ मूवीज मैंने देखी है या फिर अभी एक सीरीज जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, सच में उसमें मेरा सर दर्द हो रहा था और उस सर दर्द को ठीक करने का काम किया है रया एंड द लास्ट ड्रैगन मूवी ने। अब देखो इस एनिमेटेड मूवी में ना तो कोई एडल्ट सीन है, ना कोई वॉयलेंस है, काफी ज्यादा अच्छी मूवी मुझे लगी। और जैसा कि मैंने कहा, 3D में जब आप इसको देखोगे तो एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। और अकेले क्यों जाओ, अपने साथ अपनी फैमिली को लेके जाओ, एक फैमिली मूवी है, काफी ज्यादा अच्छी एक मूवी है। मेरे तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 7 out of 10 स्टार। अगर किसी ने मूवी देख रखी तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी, अगर नहीं देखी तो जाकर देखो, वर्थ इट है इसे देखना। और मैंने इसे इंग्लिश वर्जन में देखा, तो हिंदी डब की बात मुझे नहीं पता कि हिंदी डबिंग कैसी की गई है, एक ही टाइम देख लें, बहुत अच्छी चीज है। दो दो मूवी उसी टाइम में देखना यार, इतना तो टाइम भी नहीं होता, समझा करो। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।